शुभ संध्या मेरे प्यारे दर्शकगण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तारों के बीच चंदा है जो, खुदा का बंदा है जो, दुनिया जिसे पहनाना चाहती फंदा है, उसका ही तो नाम अशोकानंदा है। और वो आप लोगों के समक्ष आज एक नवीन वीडियो लेकर प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है उपदेश गणित के सूत्र के समान होते हैं और उदाहरण तो सूत्रों पर आधारित प्रश्नों के समान होते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि उपदेश से उदाहरण क्यों बेहतर होता है। तो चलिए इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उपदेश कहते किसको है। तो उपदेश जो है धर्म की वो वाणी होती है जिससे मानव जीवन जीने की शैली को सुदृढ़ करता है और पावन करता है, आध्यात्मिक बनाता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। लेकिन हर अच्छी चीज आज के इस युग में जैसे पतित को प्राप्त हो गई है, ठीक उसी प्रकार से उपदेश को भी अहमियत नहीं दी जाती है। मसलन अगर कोई ज्यादा अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं तो ज्यादा अंग्रेज मत बन या ढेर अंग्रेजी मत छाट, इस तरह की बातें लोग करते हैं रफ लैंग्वेज में। तो किताबों में कुछ और पढ़ते हैं और रियल लाइफ में कुछ और अर्थ में प्रयोग होते हैं कई सारे शब्द। अब उपदेश को के लिए कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अर्थात दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन जीवन में उसे उतारने वाले बहुत कम। उपदेश दूसरों को देने के लिए ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उपदेश तो नीति वचन होती है, बहुत ही पवित्र होती है, चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य होती है। इसे इंग्लिश में जो कहावत है, कहते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इज बेटर देन मेयर परसेप्शन, अर्थात उपदेश महज उदाहरण महज उपदेश से बेहतर होता है। देखिए उदाहरण का तात्पर्य क्या होता है। उदाहरण का तात्पर्य होता है ऐसा एहसास जिसके द्वारा, ज्ञान तो हम सभी कोई के पास होता है लेकिन ज्ञान पे आधारित समझ नहीं होती है तो दोहराते नहीं जाते हैं, वो गलती दोहराते जाते हैं। लेकिन उस गलती को रोकने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वो प्रयास की प्रेरणा जो आती है, उस प्रेरणा को कहिए उदाहरण। या उस प्रेरणा के को किसी के द्वारा हम में डाला जाए तो वो भी उदाहरण का रूप ले लेता है। जैसे बचपन में माँ कहती है बेटा पढ़ लो, मेहनत करो, आगे दिन काम देगा, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो जब माँ ऐसा करती है तो बचपन में उनकी बातों को अनदेखा करके हम लोग खेल कूद को ज्यादा तवज्जो दे देते हैं। लेकिन माँ के कहने का और आजकल लोग ये कहते हैं कि खेल कूद जो है वो भी नवाब बना देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। तो माँ के कहने का कुछ और अर्थ था, खेल कूद करने का मतलब समय की बर्बादी करना, ऐसा कार्य जिसका कोई महत्व ही ना हो, अस्तित्व ही ना हो, वैसे कार्य करना। मसलन किसी को तंग करना, किसी को दुख पहुंचाना, इस तरह का कार्य। खेलकूद तो एक तरह से विज्ञान का ही, ज्ञान का ही एक रूप है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं
तो जैसे नींबू ज्यादा खाते हैं या इमली ज्यादा खाते हैं या कच्चे आम, तो माँ कहती है कि दांत खट्टे हो जाएंगे, बेटा मत खाओ। तो बचपन में समझ में नहीं आती है, बाद में चलकर समझ में आते हैं। जब बाद में हम लोग पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और रोजगार नहीं होने के कारण विभिन्न प्रकार के निम्न तबके के कार्य को करते हैं, हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो उस समय एहसास होता है माँ के कही हुई बातों का। और एक बौद्धिक क्षमता का भी तो अभाव खलता है आने वाले समय में, अगर अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। और वैसे भी हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो जोश है वो अनुभव का कब सुना है। जोश में तो होश खो ही देते हैं लोग ना, और युवा पीढ़ी में तो खास तौर से जो बाल्यावस्था में होते हैं तो जोश ही रहता है। आप अक्सर गांवों में एक प्रचलित कहावत है जिससे परिचित प्रचलित होंगे कि जिससे परिचित होंगे कि जाके तन्ना फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। अर्थात विवाई कहते हैं पानी लग जाने की समस्या को, तो जिसके पैरों में पानी नहीं लगे वो पानी में जाकर भुचुकने की आदत सी हो जाती है या खेलने की आदत सी हो जाती है, लेकिन जिसके तन पैर में पानी लग गई है, उसकी उंगलियां फट गई हैं और एरिया फट गई है, उसको जो पीड़ा होती है वो पीड़ा दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है कि हद दर्दनाक होती है वो पीड़ा। आप लोग थोड़ा सा आगे चलिएगा तो देखिए, गणित जो है ना वो जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं। अगर अब अच्छी आदतें हो जाए, अच्छे संगति मिल जाए, तो वो हो जाते हैं जोड़ का काम। वो जिंदगी में गुणों को जोड़ते हैं और सम्मान को जोड़ते हैं, खुशियों को जोड़ते हैं। बुरी संगति मिल जाए, बुरी आदत के शिकार हो जाए, तो वो जिंदगी में घटाव का काम करते हैं। गणित में जैसे घटाव से अभाव होता जाता है, वैसे ही बुरी संगति से गुणों का अभाव होता जाता है। ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं। आप इसमें थोड़ा आगे चलिएगा तो अगर किसी गुनाह करने वाले गिरोह के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं तो उसको भाग फल कर भाग भाज भागफल कह सकते हैं, या फिर उसको हम लोग भाग कह सकते हैं। तो वो भाग से तो बहुत ही ज्यादा बदनामी होती है कानून के नजर में, और पाप करने के कारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी पतित को प्राप्त हो जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो आज के दौर में ये जो बलात्कार वगैरह की समस्याएं हो रही हैं, चोरी डकैती की, ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? ये सारी समस्याएं उपदेश को जिंदगी में न अपनाने के कारण हो रही हैं। और गणित में जैसे भाग करते हैं तो बहुत बड़ी क्षति होती है, ठीक उसी प्रकार से ये सारे घृणित कार्य करने से बहुत बड़ी क्षति होती है। और अगर अच्छे माँ बाप मिल जाते हैं हमें, अच्छे गुरुजन मिल जाते हैं, तो जैसे गुणात्मक वृद्धि होती है गणित गणित में, तो बहुत ज्यादा तेजी से इंसान बढ़ता है, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु की संगति मिल जाने से, अच्छे माँ बाप की संगति मिल जाने से बच्चा बहुत ज्यादा तरक्की कर लेता है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि चाणक्य ने एक बात कही है यहाँ पे कि उपदेश से उदाहरण बेहतर होता है। इसको चरितार्थ हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमेशा खुद गलती करके मत देखो, दूसरों की गलती से सीखो। यानी दूसरों की गलतियों के बाद जो उपदेश मिले हैं उसे जिंदगी में धारण करो। अगर आप खुद मर्डर करके सीखोगे तो फंस जाओगे। तो दूसरों की गलतियों के में जो उपदेश है उसको उदाहरण से, उस पर आधारित उदाहरण को लो और उसी से सीखो। गलतियों की संख्या बहुत है और गलतियां
बहुत बड़ी है। थोड़ा सा हम लोग आगे चले इसमें, तो अब आते हैं सूत्र पर। सूत्र अर्थात फॉर्मूला, तो जो कभी भी गलत नहीं होते हैं। जैसे गणित में सूत्र होते हैं, वैसे ही भाषा में उपदेश होते हैं, नीति वचन होते हैं, या श्लोक होते हैं, या आप कहिए तो सिद्धांत होते हैं। ये सब अलग अलग रूप में है, लेकिन इन सभी के गुण सामान्य है। अगर इन्हें जिंदगी में धारण किए जाए तो हम लोग जीवन को सार्थक बना सकते हैं और एक नए इतिहास की कल्पना कर सकते हैं। उपदेश से उदाहरण हमेशा बेहतर होते हैं। उपदेश गणित के सूत्र के समान होते हैं, जो कभी गलत नहीं होते, लेकिन उनका एहसास हम लोगों को उदाहरण से ही होता है। जब अपने ऊपर बीतता है तभी हम उसका अर्थ समझ पाते हैं। आप लोग इसको ऐसे समझिए कि उपदेश जो होते हैं वो सिर्फ इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देते हैं युवा पीढ़ी। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ओनिस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या गुड माइंड गुड फाइन, आप भला तो जग भला, या कर भला तो हो भला, दैट्स डे इज डूम्स डे, आप मरे जग लो, या मजेस्टिक शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी, डीप रिवर्स मूव्ड साइलेंटली, अजल गगरी छलकत जात, भरी गगरिया चुपके जात। तो ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, सॉरी उपदेश हैं। अगर इसको हम लोग जांचे वास्तविक जीवन में समय समय पर, तो उस समय में सही पाते हैं और उस समय में एहसास होता है कि नहीं, वास्तव में ये सारे सही हैं, अनमोल मालाएं हैं जिसे धारण करनी चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं। एक दिन में कोई तरक्की नहीं करता है। जैसे रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैनी अ पीकल मेक्स अ मीकल, बूंद बूंद करके सागर बनता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सॉरी उपदेश हैं, जो जिंदगी में उदाहरण की तरह कार्य करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहतर लगी होगी और आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नैतिकता के मूल्यों को समझने और समझाने की जरूरत है वर्तमान के विभत्स स्वरूप का अंत करने के लिए। वैसे याद कीजिए, विवेकानंद ने कहा है कि सारी दुनिया को अगर अस्पताल में बदल दिया जाए फिर भी रोगियों की संख्या का अंत नहीं होगा, लेकिन अगर उपदेश को उदाहरण के रूप में ग्रहण कर ले सारी दुनिया के लोग रोगियों का तत्काल अंत हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।